चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास टेंथ के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर खंड क के अंग जो शक्ति संसाधन है उसका मिला दे रहे हैं। आप लोग बढ़िया से अच्छे से मिला लीजिएगा, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें नहीं मिला भी है, आप लोग क्या कीजिएगा, अगर मिलेगा तो उसका आंसर बताइए। अगर कोई क्वेश्चन गलती इसमें रहेगा, अगर कोई क्वेश्चन गलती रहेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर, ताकि उस पर फिर से एक बार डिस्कस हो जाएगा, हम भी देख लेंगे, आप लोग भी देख लीजिएगा, ताकि सुधर जाएगा। चलिए अब देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन की ओर, फटाफट मिला दे रहे हैं। करण निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है, बताइए कौन है इसमें। चलिए कौन बना था बताइए, भारत का पहला परमाणु विद्युत प्रयास केंद्र कौन बना था, तो कल्पक्कम नहीं, क्या था, कल्पक्कम, क्या था, कल्पक्कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में प्रकार का ऊर्जा संयोजन, मतलब हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में कौन सा ऊर्जा का प्रकार है, तो भूतापीय ऊर्जा, क्या है, भूतापीय ऊर्जा। देखिए 2023 में सब पूछ ले है। अगला ये, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, प्राकृतिक गैस कौन से खनिज के साथ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम, क्या रहता है, पेट्रोलियम के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है, बताइए जीवाश्म ईंधन कौन है, तो कोयला भी है, पेट्रोलियम भी, प्राकृतिक गैस भी, इनमें सभी, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन कर, कैगा परमाणु विद्युत ऊर्जा किस राज्य में स्थित है, कैगा विद्युत परमाणु ऊर्जा जो है कौन से राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में, कहाँ है, कर्नाटक में, कैगा कैगा तो कर्नाटक में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कर भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का, सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, सौर ऊर्जा का विकास जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो राजस्थान में, नहीं कहाँ है, राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन कर, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्रों में तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहा है, बताइए भारत में कितने क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहा है। चलिए कितना था, 18 का, वो है 18 को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कर भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी, भारत में भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था, तो दार्जिलिंग में, कहाँ हुआ था, दार्जिलिंग में, कब हुआ था, तो 1897 में, कहाँ हुआ था, 1897 में हुआ था, कब हुआ था, 1897 में, इसके बाद कहेगा था शिव सुंदरम में, शिव सुंदरम में कावेरी नदी में हुआ था, दूसरा कर्नाटक में जो है, शिव सुंदरम कहाँ है, कर्नाटक में, शिव सुंदरम कहेगा कहाँ है, कर्नाटक में, दूसरा था। अगला ये, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, भारत का पहला, तो तारापुर ना, क्या था, तारापुर में, तारापुर में ना, क्या था, तारापुर में था, जो एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है। अगला ये, करा भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र कार्य करने, रिपीट हो गया 18 को, ना क्या हुआ था, 18 को, रिपीट कर रही। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, करमणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, तभी हम लोग से ऊपर देखे थे तो मणिपुर, मणिकरण कहेगा था, क्या था, हिमाचल प्रदेश में, ना क्या था, हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, कर भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये क्या, पहला कहेगा कहाँ था, दार्जिलिंग में, दूसरा कहेगा था शिव सुंदरम में, दूसरा का कहेगा तब। अगला ये, भारत में मुख्यतः किस प्रकार कोयला पाया जाता है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार के कोयला पाया जाता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीस, इस तरह है, तो भारत में किस प्रकार था, बिटुमिनस, क्या रहता है, बिटुमिनस। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, कर भारत का प्राचीनतम कोयले का खान कहाँ है,
भारत का प्राचीनतम कोयले का खान कहाँ है? तो रानीगंज में। कहाँ है? रानीगंज में। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, कर सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीटना, एंथ्रासाइट। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? देखिए रिपीट हो रहा है, प्राकृतिक गैस किसे पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। किसे रहता है? पेट्रोलियम के साथ। ये भी रिपीट हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे घटिया कोयला कौन है बताइए? इसमें सबसे घटिया कोयला कौन है? तब पीट कोयला सबसे घटिया रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत शक्ति केंद्र है? एशिया का सबसे बड़ा कौन है बताइए? तो एशिया का सबसे बड़ा क्या है? तारापुर। क्या है? तारापुर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो असम के डिगवोई में। असम के कहाँ? डिगवोई में। डिगवोई कहाँ है? असम में। तो असम के डिगवोई में। अगला बताइए, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वह कौन से राज्य में है? चलिए कहाँ है बताइए तो? चलिए कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारापुर कहेगा तो कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड। कौन है? झारखंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, हीराकुंड बांध है बताइए, हीराकुंड बांध जो है वह कहाँ है? तो उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है तो जादूगोड़ा। कहाँ है? जादूगोड़ा। अगला क्वेश्चन बताइए, इनमें से कौन सा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा इसमें से कौन नहीं है बताइए? तो विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, बाकी सब प्राथमिक ऊर्जा। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक ऐसा क्या है? प्राथमिक ऊर्जा है, विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? पारंपरिक स्रोत का मतलब जो परंपरा से होता रहा, पहले से होता रहा है। गैर पारंपरिक का मतलब जो अभी शुरू हो गया, तभी शुरू क्या हुआ? तो सौर ऊर्जा। क्या हो गया? सौर ऊर्जा। पहले सौर ऊर्जा नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडारण है? कौन से राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडारण है? तो असम में। कहाँ है? असम में। चलिए अगले क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पुनःपूर्ति योग ना। क्या है? पुनःपूर्ति योग। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना जो है कौन सी नदी पर है? तो सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज नदी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? सब जगह तो ये रिपीट हो रहा है, झारखंड। ये भी देखिए रिपीट हो रहा है, झारखंड है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, करा कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय नहीं बल्कि अनवीकरणीय है। चलिए क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय, नवीकरणीय नहीं है। कोयला। क्या है? कोयला। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या है? तो बरौनी। क्या है? बरौनी। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तो तुंगभद्रा परियोजना। क्या है? तुंगभद्रा परियोजना। अगला क्वेश्चन बताइए, गोडवाने समूह के कोयले का निर्माण हुआ था? गोडवाने समूह के कोयले का निर्माण कितना हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, कल्पक्कम किस राज्य में स्थित है? कल्पक्कम जो है वह कौन से राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु। किसमें है? तमिलनाडु में। ककरापारा परमाणु ऊर्जा विद्युत किस में स्थित है? ककरापारा परमाणु ऊर्जा विद्युत गृह जो है वह कौन से राज्य में स्थित है? तो गुजरात। किसमें? गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन तेल शोधक कारखाना विश्व में सबसे बड़ा है बताइए? सबसे बड़ा विश्व में तेल शोधक कारखाना कौन सा है?
तो जामनगर, जामनगर नहीं बल्कि जामनगर, जहाँ जामनगर विश्व का सबसे बड़ा है तेल शोधक कारखाना। अगला बताइए, इनमें से कहाँ यूरेनियम पाया जाता है, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो जादूगोड़ा, कहाँ रहता है, जादूगोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन, करनीवेली कोयला क्षेत्र किस किस्म का कोयला मिलता है, तो लिग्नाइट। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, कह रहा कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र नहीं है, इसमें से बताइए ऊर्जा उत्पादक केंद्र नहीं है, तो ओबरा, क्या है, ओबरा। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा इनमें से कौन पवन ऊर्जा संबंधित है, पवन ऊर्जा संबंधित इसमें कौन है, तो लांबा, क्या है, लांबा। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कहाँ तापीय विद्युत केंद्र है, बताइए तापीय विद्युत केंद्र कहाँ है, तो कोबरा, कहाँ है, कोबरा, दक्षिण भारत से बड़ी, तो तुंगभद्रा, ये तो बताइए दिए थे, रिपीट हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, करा डिबगोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है, तो असम के डिबगोई में, तो असम में, बताइए इनमें से कहाँ तापीय विद्युत केंद्र नहीं है, तापीय विद्युत केंद्र नहीं कहाँ है, तो पंचेत, कहाँ नहीं है, पंचेत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, करण में से कौन सा खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है, बताइए केरल तट पर बालू के रूप में कौन मिलता है, तो थोरियम, क्या मिलता है, थोरियम। चलिए अगला क्वेश्चन, किसको शक्ति का स्थायी स्रोत माना जाता है, शक्ति का स्थायी स्रोत किसको माना जाता है, आप लोग देखिएगा तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, लगता है पवन ऊर्जा होगा, कन्फर्म नहीं इसमें है। किसको शक्ति का स्थायी स्रोत माना जाता है, तो पवन ही ऊर्जा लगता है, कहीं की ख़त्म नहीं होगा, आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक, अगर सर पढ़ाएंगे तो आप लोग बताइएगा, पवन ऊर्जा ही। चलिए अगला क्वेश्चन, कारण निम्नलिखित में किस स्थान पर जल विद्युत उत्पादन केंद्र नहीं है, बताइए इसमें कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ जल विद्युत उत्पादन केंद्र नहीं है, करा कि इनमें से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पादन केंद्र नहीं है, बताइए तो आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, कारण निम्नलिखित में किस स्थान पर जल विद्युत केंद्र नहीं है, चलिए कहाँ पर नहीं है, तो न नोरा, कहिए न रोरा नहीं, इसको न रोरा पढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, कराइन में से कहाँ प्राकृतिक गैस के विशाल भंडारण मिले हैं, चलिए कहाँ पर मिला है, तो त्रिपुरा में, कहाँ मिला, त्रिपुरा में। चलिए अगला क्वेश्चन, कराइन में से कहाँ ताप विद्युत केंद्र है, ताप विद्युत केंद्र कहाँ है बताइए, तो बरौनी में, कहाँ है, बरौनी में, ये तो लगता रिपीट हो रहा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, करा टर्शियरी कालीन कोयला किस किस्म का होता है, तो घटिया कोयला होता है, इसे बोलते हैं पीट कोयला, घटिया कोयला होता है बोलते हैं पीट कोयला, ना क्या बोलते हैं, पीट कोयला। चलिए आगे बढ़ते हैं, करंट से कौन परमाणु, कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, परंपरा से होते हुए कौन नहीं आ रहा है, तो परंपरा से होते कौन नहीं आ रहा है, तो पवन ऊर्जा, क्या है, पवन ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन, कर असम में उत्पादित तेल साफ होने के लिए कहाँ भेजा जाता है, तो डिगबोई में। अगला क्वेश्चन बताइए, इनमें से कौन अनाविक शक्ति केंद्र है, ये खोजे हैं नहीं मिला है, आप लोग इसका आंसर खोज के बताइएगा, ठीक, देखिएगा कौन आंसर इसका सही होगा, आप लोग खोज के इसका बताइएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, कर्नाटक में किस राज्य में पेट्रोलियम का विशाल भंडारण है, पेट्रोलियम का विशाल भंडारण किस में है, तो असम में, ये तो दो तीन बार रिपीट हो गया है। कर पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है, तो परतदार, या इसे बोलते हैं अवसादी चट्टान, क्या बोलते हैं, ऐसे अवसादी होता है, क्या होता है, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर,
करा जल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र है, बताइए इसमें जल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र क्या है? तो ई डिक्री, इसको भी बढ़िया से देख लीजिएगा, एक बार रिपीट कर लीजिएगा आप लोग देख लीजिएगा सही है कि गलती है। करें सो कौन कोयला क्षेत्र श्रेणी नहीं है, कोयला का श्रेणी नहीं है कौन है? तो सीडेराइट जो लोहा के अलावा इसका प्रकार है। ताता पानी किस ऊर्जा के संबंधित है? तो ताता पानी जो है भूतापीय ऊर्जा है। काला हीरा किसे कहा जाता है? तो काला हीरा हम लोग जानते हैं किसको? कोयला को। काला हीरा जानते हैं कोयला को। काला गोल्ड के नाम जानते हैं किसको? काला गोल्ड के नाम से कहेगा जानते हैं पेट्रोलियम को। अगला, देश का पहला जल विद्युत उत्पादन केंद्र कौन था? देश का पहला तो दार्जिलिंग कहेगा सर, दार्जिलिंग था। क्या था? दार्जिलिंग देश का पहला कहेगा तब। और दूसरा था शिव सुंदरम, दूसरा क्या था? शिव सुंदरम। अगला, ये टिहरी परियोजना किस राज्य में है? टिहरी परियोजना जो है वो कौन से राज्य में है? तो उत्तराखंड। किस में है? उत्तराखंड में। अगले क्वेश्चन की ओर करा, सिंगरौनी कोयला क्षेत्र कहाँ है? सिंगरौनी कोयला क्षेत्र हुआ कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। अब हो गया तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश बट गया राज्य, तो हो गया तेलंगाना में। चलिए अगला क्वेश्चन कर, मुंबई हाई क्या है? मुंबई हाई एक तेल शोधक खनिज तेल शोधक ना है, मुंबई हाई तेल क्या है? खनिज तेल शोधक कारखाना एक है। मुंबई हाई तेल शोधक क्या है? कारखाना है। चलिए, तेल खोजने का उत्पादन करने का एक क्षेत्र था। अगला क्वेश्चन आइए, देश में कोयले का उत्पादन देश में मिलता हुआ है कितना है? तो 10 करोड़ टन, इसमें तो है यू नहीं, 2000 में कह रहा 20 करोड़ टन 2000 में कहेगा था, इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा ठीक। कह रहा कौन सा ऊर्जा परंपरा स्रोत से नहीं है, बताइए परंपरा स्रोत कौन नहीं है? तो समुद्री ज्वार ऊर्जा। देश में तेल की खपत कितनी है? देश में तेल की खपत कितनी है? तो 10 करोड़ टन। ये सब क्वेश्चन मिलता नहीं किताब में, अच्छा से गूगल पर से देखना पड़ा है। भारत में खनिज तेल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, भारत में खनिज तेल का सर्वाधिक उत्पादन तो 3 करोड़ टन। आप लोग भी इसको देख लीजिएगा ठीक, किताब में देखिए खोजिएगा तो किताब में खोजने तो नहीं मिला। भारत में कोयले का कुल संचित भंडारण कितना है? तो 1.2 अरब टन। अगला, ये कह रहा है कि बिटुमिनस कोयले में कार्बन की परत कितनी होती है? तो 70 से 90। कितना होता है? 70 से 90 होता है ना, कितना होता है? 70 से 90। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, कर भारत गैस का कुल संचित भंडार देश में कितना है? तो 7 अरब घन मीटर। प्राकृतिक गैस का कह रहा है, प्राकृतिक गैस का कितना है? सात अरब घन, भारत में अनुमान लगाए 7 अरब घन मीटर है, 7 अरब घन मीटर। भारत में कुल संचित भंडार देश में कितना है? तो ये 700 अरब घन मीटर ठीक। चलिए बस इतना ही था इस चैप्टर का, मिला दिए पूरा, आप लोग बढ़िया से अच्छे से मिला लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन गलती होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ठीक। कोई क्वेश्चन अगर गलती होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।